What's up friends, welcome back to One Space Fitness. And friends, आज हम बात करने वाले हैं excessive phosphorus intake and kidney diseases पे. क्या अगर हम ज्यादा phosphoric products को consume करते हैं तो हमारी kidneys क्या खराब हो सकती हैं? जो लोग already kidney problem से जूझ रहे हैं, जिनको kidney stones हैं या फिर kidney diseases हैं, क्या एक्सेसिव फॉस्फोरस इंटेक करने से वो प्रॉब्लम को एक्सैजरेट हो सकती है? कुछ साइंटिफिक स्टडीज पे बात करेंगे एंड सी व्हाट साइंस हैज टू से अबाउट द एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोरस इन आवर डेली डाइट. सो गाइस, आज इस पे बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, पहले हम समझ लें कि फॉस्फोरस एग्जैक्टली है क्या. आप में से कुछ लोगों को पता होगा दैट फॉस्फोरस इज एसेंशियली अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी. तो जैसे हमारी बॉडी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सिलेनियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कैल्शियम है, टू नेम सम मिनरल्स, वैसे ही बॉडी में आपको फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है. अब जो फॉस्फोरस है उसका सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बॉडी में दैट इज इन आवर बोन्स, और बहुत कम जो होता है सर्कुलेशन दैट इज इन आवर ब्लड स्ट्रीम्स. सो आपकी जो किडनीज होती है इसका एसेंशियली काम होता है कि वो फॉस्फोरस के लेवल्स को बैलेंस मेंटेन करके रखती है. अब ये कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि कुछ जब आपकी किडनीज हेल्दी होती हैं तो दो तरीके से फॉर एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है आपका, वहां पे ये फिल्टर आउट होती है, और थ्रू यूरिनेशन ऑल्सो एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. नाउ If a person is suffering from a kidney disease, वहां पे उनका renal function, the kidney function is going down. अब जब kidney function उनका कम है, वो filter out नहीं कर पाएगा phosphorus को, which leads to problem. जब कैसी problem, जो उनका hormonal balance होता है, serum phosphorus जिसे कहते हैं, and second thing जो होता है, fibroblast growth hormone 23. And जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है उसका फंक्शन बिगड़ना शुरू हो जाता है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी. क्योंकि एक बार योर रीनल फंक्शन इज कॉम्प्रोमाइज एंड फॉस्फोरस टेंड्स टू बिल्ड अप इन योर बॉडी, इट लीड्स टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स. एंड एनहांस्ड प्रॉब्लम जो होती है उसका होता है प्रीमेच्योर डेथ, क्योंकि एक बार आपका रीनल फेलियर हो गया then there is no option left. It can also lead to premature death. So it's very, very, very imperative कि आप अपनी kidneys को हमेशा एक healthy, state में रखें. Even if अगर आपको कोई problem नहीं, आपका renal function भी is absolutely okay, it's still required to keep your phosphorus levels intact in the body. Friends, there is a very close relation, बहुत ही close relation होता है between protein intake and phosphorus levels. So अब एक reason क्या है इसका, usually जब phosphorus पाया जाता है that is more in proteins. So higher a diet that is more in proteins is higher a diet that is more in phosphorus. So essentially it is believed that 1 gram of protein contains around 19 to 25 mg of phosphorus. Okay, so agar aap excess mein koi bhi high protein diet lete hain, and especially agar aap koi bhi animal diet lete hain that is high in phosphorus, you are hitting your kidneys again and again and again. Kyunki ab एक ट्रायल स्टडी करी गई इस पे, एक ट्रायल स्टडी करी गई 11 पेशेंट्स पे, जहां पे उनको वेजिटेबल प्रोटीन भी दिया गया, उनको एनिमल प्रोटीन भी दिया गया, एंड इट वाज फाउंड दैट ईटिंग और कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन आपका सीरम फॉस्फेट लेवल्स को बढ़ा रहा है, आपके FGF लेवल्स को बढ़ा रहा है, एंड विच इज अ वेरी अलार्मिंग स्टेट, क्योंकि दिस शोज दैट योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और आपको चाहिए कि आपकी किडनीज हमेशा अच्छे तरीके से काम करते जाएं. नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताते गया हूँ कि दैट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मच मोर हेल्दियर, इज मच मोर इससे एफिशिएंटली डाइजेस्टेड बाय आवर किडनीज एज वेल, वो फिल्टर आउट अच्छे से कर पाती है. ये स्टडी ने पर्टिकुलरली शो करा
the animal-based protein tends to rise up or disturb the hormonal balance in the body, which effectively जो आपकी kidneys को affect करता है, and which can lead to many other problems. So अगर आपको लगता है कि आपकी kidneys you know they are not functioning properly और आपको recently ऐसा पता लगा है, shift to a diet. There is a recommendation that you need to shift to a diet that is low in proteins. आपको low proteins चाहिए और वो भी आपको जो चाहिए वो plant based source से चाहिए, vegetables से चाहिए, rather than going for animal based source of proteins. क्योंकि low based जो low का आपके low proteins होते हैं, उससे आपको दो फायदे होंगे. वो आपके kidney disease की जो भी progression होगा उसको कम करेगा, और सिंस आप लो प्रोटीन ही ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा फॉस्फेट या ज्यादा फॉस्फोरस नहीं होगा, जिस वजह से आपकी किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन भी कम होगी. सो दीज आर सम रिकमेंडेशन. ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसल्ट योर यू नो फिजिशियन रिगार्डिंग द वेरी सेम थिंग अगर आप कोई भी किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, बट दीज आर सर्टेन रिकमेंडेशन विच हैव बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट विच शोज that taking a diet which is low in proteins essentially helps to reduce the progression of you know chronic kidney diseases. फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया आपको कि एनिमल बेस्ड सोर्स से बहुत ज़्यादा यू नो दीज किडनी डिजीजेज आर बीइंग कॉज. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्या है वो फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोटीन में जो भी आप मार्केट में देखते हैं, जब भी आप कोई भी एनिमल बेस्ड सोर्स प्रोटीन लेने जाए, मे बी यू नो इट्स फ्रोजन है या फिर कुछ भी है, उसमें एडिटिव्स ऐड करे जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, दे आर इंजेक्टेड, उनमें ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन लगाया जाता है दैट इज रिच इन फॉस्फोरस, क्योंकि उसी से ही वो लॉन्ग लास्टिंग शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ पाती है, वो ज़्यादा जूसी रह पाते हैं, और अल्टीमेटली आप जब ये एनिमल प्रोटीन्स को कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस और जा रहा है, विच इज़ अगेन डैमेजिंग योर किडनीज, विच इज़ अगेन लीडिंग यू टू अ स्टेज जहाँ पर आपकी किडनी फंक्शनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वुड नॉट बी एज इफेक्टिव एज इट इज़ टूडे. सो आपको चाहिए कि आप जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाएँ, अगर आपको कोई रीनल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, उस पर कोई फॉस्फेट या फॉस्फोरस करके कोई इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, एंड ट्राई एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ मीट, ट्राई एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव दैट कंटेन्स फॉस्फोरस, स्पेशली कोलाज, जितने भी आपके डाइट्री कोक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करिए आप, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव में फॉस्फोरस ऐड किया जाता है. And then again shift to a more plant-based source जहाँ से आप अपने proteins derive कर सकते हैं, जहाँ से आप phosphorus derive कर सकते हैं. And जो recommendations इसकी दी जाती हैं that how much efficiently you want to take phosphorus in a day. So for healthy adults 750 mg of you know phosphorus is recommended for a day. And for children and for pregnant ladies it's recommended around 1000 mg. So guys, this was all for today. I just wanted to let you know कि phosphorus ज़्यादा intake करने से there can be a problem to you. You know, अगर आप बहुत ज़्यादा phosphorus को intake कर रहे हैं through X amount of products, through X amount of animal products, अगर आपको कोई भी kidney problem है, so make sure you consult your physician and make sure you shift to a more plant-based source of phosphorus and plant-based source of proteins ताकि आपकी kidneys उसको बहुत जल्दी efficiently you know utilize कर पाए, उसको filter कर पाए, and that a homeostasis is maintained within your kidneys and within your body. So guys, do let us know how you find this video. Please leave your likes and comments behind and share with us your views and how you feel regarding this video. That's all for today, guys. This is Gagan signing out.